हेलो राम राम बे, सारी छोटी बढ़िया ने और सब ने बेबे होई के व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बेबे होई का व्रत है, तो होई के व्रत तय ना, मेरे एक बात याद आ गई। आज मन सोची थाती बताऊंगी तो रोम को ना मैं, क्योंकि बेबे मेरा एक और आए बच्चा लखा वर्गा, एक बेटा है मेरा तेरे के सा, ठीक है। पर मैंने ना वो आ जाना वो सिंगाड़े देख के एक बात याद आ गई बेबे, मेरा छोटे वाला बेटा है ना, वो केक रह करता। एक बहन ना मैं तेन बोला मम्मी है, मैं वो बाजार में कद आवेंगे, मैं कहा भाई के चीज़, बोला नहीं नहीं पता वो फ्रूट है, को के है मम्मी, ग्रीन ग्रीन कलर के होया करें, अंदर तो वाइट वाइट लकड़ा करें, बाहर उन कर एक दो कट्टे भी होया करें, अरे मम्मी वो है ना खाने में टेस्टी भी होया करें, अरे उन्हें पहले छील कर रख दे, वह अंदर तो जो वाइट वाइट आओगे ना वह खाने के हों। बेबे मैं ना सारे बाजार में आ गया ही, मैंने ऐसा कोई फ्रूट नहीं पाया, अब ग्रीन कलर का भी हो, कट्टे भी चल रहे हो, ये भगवान ने, मैं बेबे सारे बाजार में खा डाई, मैंने दो तीन दिन हो गए, फिर रोज कर मैं नहीं खाता, मैं सेब केड़ा कुछ भी ले लूँ ना, मैंने कहा मम्मी वो फ्रूट खाने का मन हो रहा है, वो बाहर तक ग्रीन ग्रीन पाओगा, अंदर तो वाइट वाइट दिल की सेब का पाओगा। ए बेबे मैं तीन चार दिन बाजार में मंडी में सारा डाई, मैंने कोई फल ना पावा, पाँच छः दिन पीछे आ गया बेबे कमोई का व्रत। तो मैंने सिंगाड़े लेके मैं भीतर आई सब्जी वाले दौरे थे, तो मैं तो सोए था, मैं बोली मारी शबरे एक बेटे पैसे दे कही सब्जी वाले के, दे का आया तो आकर मैं, बोला मम्मी ये क्या क्या किस कौन लेकर आया, बेटा मैं लेके आई हूँ, बोला मम्मी यही तो बोल रहा था मैं बता तो रहा था जो मटके के ऊपर रखा करें वो वाले फ्रूट। अरे मेरे बेटा मैं कमोई के व्रत वाले थे, कमोई के ऊपर नहीं रखा सिंगाड़े, तो मेरा ना आज ये सिंगाड़े देख के ना सिंगाड़े उस पर धर का कमोई पर सांस देने बुझे जाता, किस टाइम ठाऊँ फिर इन ये 100 रुपया ने रही सिंगाड़े ने किस टाइम ठाऊँ, मम्मी सांझ तो होगी किस टाइम ठाने हैं ये। और मैं ना बेबे आज मैंने सिंगाड़े लेकर धर रखे दो दा के सुतरे त्रिया, मैं ना मतलब धन्यु ये करो के तो सिंगाड़ा के सांस देने बुझे जाता, किस टाइम ठाऊँ इन्हें, फिर 100 रुपये तो ठा लूँ हूँ, और जिसमें कमी रखा करती, मैं किसी चीज़ की कमी नहीं रखूँ, मगर फिर भी वो जो मुँह पर कमोई पदरे होते ना सिंगाड़े, मैंने कह दिया करती मैं कहे छोटे बालक होया करना उसके होया करें, और जो राजा बेटा होया करना ये उसके सिंगाड़े होया करें, और जो इन ठाया करना वो तो मैं कहा सबसे अच्छा बेटा होया करें। मैंने को साँझ ना 4 बजे लग जाता, मम्मी तू मैंने बता दिए ठाणे के दो हैं, कदे भाई ठा लेना, फिर मम्मी 100 रुपये मत मैं नहीं दूंगा, 50 रुपये भाई ने, 100 के 100 मेरे हैं। मैंने करते मैं कहा ठीक है शुरू होना, मैं जी व्रत खोलती ना सन, मैंने तेरी शबरे उठा ले सिंगाड़ा ने रुपी शान है, अरे मैं कहला मैं व्रत चांद ने पानी दिया हूँ बेटा तारा ने करता ठीक से मम्मी, अरे मैं तेनों को मम्मी भाई तो मत बता ये 100 रुपये भाई इन्ना तो बटवा लेगा दे, अरे फिर इन्होंने करता देख भाई तुर देख भाई मम्मी नाटी थी के सागर तो मत दिए तू दिए, पर मैं तो भाई तेरा भाई हूँ ना भाई, 50-50 ले लेंगे, अच्छा 50 रुपये भी दे दे तब फिर ना भाई तो के खाएगा, सागर ने कहता जा तेरे तो कितने बच गए 50, जाएगा फलानी चीज़ ला दकड़ी, जी 40 रुपये की चीज़ भी मंगा लेता सागर, उस पर दूसरा 10 रुपये बचते मुश्किल थे, मगर उन्हें मैं इतना खुश रहा करता कि मन ने 100 रुपये ठाए थे। मैं राजकुमार बेटा हूँ, मैं मम्मी का छोटा बेटा हूँ ना, तो मैं मतलब इम्पोर्टेंट मेरी है तेरी को ना, इतना को बिना ने इसे बावड़े बेटे की चले जा है। और मेरा ना इतना अच्छा बेटा था भाई, नको गो है 19.5 साल का होकर चला गया, वो कदे छोटा सा था 2-2.5 साल का, अपने भाई तो एक मैं नाम लेकर बोल पड़ा था कि सागर सुन, मैंने नो कदम का भाई बड़े भाई का नाम नहीं लिया कर, भाई ने भाई कह बोला करें, छोटा भाई बड़े भाई की इज्जत करनी सीख, मैं कहा नुआ अगर बड़ेपन तो सिखावेंगे जब बड़क इज्जत करनी सीखा है जी जी। उन 19.5 साल का होकर चला गया वो, उसने कदे भी सागर नहीं गई बात गला ने उठा भाई सुन मम्मी भाई कित गया भाई न्यू, और है ना मैंने न्यू कही मैं कहा ना बड़ा बेटा तो ना राजा हो है, छोटा बेटा युवराज हो है, अपने भाई की सेवा करनी चाहिए, मेरा बेटा 19.5 साल का होकर चला गया, कदे अपने भाई तो गुदड़े नहीं बिछाण दिए, कदे अपने भाई के गुदड़े ठाण नहीं दिए, अपने भाई तई रोटी खाए पाच अपने भाई के बर्तन रसोई में लेकर जाना, भाई एक एक रोटी खाते एक एक रोटी खाट पर जाना, अगर रोटी खाता होता ना तो अभी बीच में टूट जाया करता, अपने भाई तो रोटी देन दे, और कोई भी काम अगर मैंने नुका देना सागर फलाना काम कर देगा, सागर तो पहला उठ कर आप कराया करता, नो करता मम्मी यो राजकुमार पैदा कर रखा तेने और इसका युवराज मैं हूँ,
ठीक है, इस तक काम की नहीं कर देगी, मेरे तक कर देगी। एक बार मैंने 6 महीना बड्डे का मार दिए थे, मेरे तने बोला मम्मी मेरे मार लिए, मेरे भाई का नहीं मार देगी। मैंने उस दिन पीछे कदे हाथ नहीं लाया दोनों भड़का के, मैं कहा भाई नहीं मारूंगा। नहीं बोला मम्मी सारी बर्दाश्त हो जाएगी, मेरे मेरे भाई की नहीं बर्दाश्त होगी। मैंने कहूँ आज के युग में ईसा भाई पाने मुश्किल है, पर बिना ना वो राम जी के करेगा वो ऊपर है, नीचे सो आया नहीं वो छोरा। हट मैं इमोशनल हो गई, बहुड़ा बेटा और इतना समझदार बेटा था। मैंने कहो आज के टाइम में इतने समझदार बड़े पत्ते होने। मेरे ना छोटा सा ही था मेरा बेटा, कति 5-6-7 साल का। मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए तो मेरे पापा मरे, तो मैं आकर न रोन मंड गई, खूब रोई, मैं खूब रोई घर आके तो चुप हो ली। जब मैं तब बोला मम्मी के बात होगी, मैं बोले बेटे तेरे नाना जी चले गए रीशो, मैंने तन तेरे नाना तो बद के कुछ भी ना था, सारा वो एक सारा था जिसके भी मैं सुख दुख बतला लिया करते अपने, रीशो मेरा तो कोई भी ना। इतने अच्छे तरिया जिसमें 6-7 साल का था गणा बढ़ाने ने बोला मम्मी जब भी तुम कोई तकलीफ होना तो मेरे तो बता दिया कर, तूने सोच लिया कर मैं पापा हूँ। मैं बोले मैं कहता मम्मी मैं बेटा को ना मैं तेरा दोस्त हूँ। मैं बोले ठीक है बेटा, मैं ना हर छोटी बड़ी ऊंच नीच की कोई भी बात होती है हिसाब किताब की किसी ये भी मैं अपने बेटे तो बताती, अरे एक मिनट में सोल्यूशन बता देता मम्मी, नो नहीं करना नो करांगे। ठीक है बेटा, अपने भाई ने कदे नो नहीं कहा करता फलाना काम नो करता, मैं हूँ मैं कर लूँगा, तन्ने टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मैंने कहूँ ब्राह्म जान है वो दिमाग उस दौर कितने था, उसने नुबेरा था कि कदे भी अगर टेंशन हो जाती ना मैं रो पड़ती किसी बात पे, तू करता मोटी आँख में पानी नहीं, ये आँख खराब हो जाएंगी बुढ़ापे में, मैं नहीं पकड़ूंगा तेरी आंगली, यो तो अपने बालका में रहेगा और मैं ब्याह कराऊँ नहीं, और तू मेरी तेन कहगी मेरी आंगली पकड़ ले, मैं नहीं पकड़ूंगा। मोटी रोया मत कर आँख खराब हो जाएंगी। अरे 1 साल हो गया